अमित शाह के खिलाफ कोई का लाल है इस देश में जो बोल देगा? और कोई ऐसा पत्रकार बताओ, किसी को हिम्मत है कि जो जेएनयू में और जामिया में और बीएचयू में छात्रों को पर लाठी चार्ज करके जेल में भरने का काम किया गया है, कोई माई का लाल एक तो बताओ कि जो इनके पक्ष में सवाल कर दे अपने चैनल रूम से या कोई पत्रकार जो कोई भी प्रिंट मीडिया वाला। यार इस बात को समझो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो अभी तो कॉलेज में घुस के मार रहे हैं ना, कोई कुछ कर पाया है? और अगर बहुत ज्यादा बोलोगे तो हम तुम्हारे घरों में भी घुसेंगे और वहीं पे पटक के मारेंगे और जानों से भी खत्म कर देंगे। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। अच्छा हमको कौन रोकेगा? या नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है कोई माई का लाल जो रोक लेगा? किसको दूध पिलाई है किसकी माँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल देगा? आपको हम बता दें, पुलिस हमारी, पत्रकार हमारा और पूरा संगठन हमारे साथ, पूरा आरएसएस हमारे साथ, कोई है? और कौन बोलेगा? चौराहों पर खड़ा करके जिंदा जलाएंगे और दंगाई बता करके उसके परिवार वालों को जेल के अंदर डालेंगे। कोई माई का लाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी भारतीय जनता पार्टी का नहीं बिगाड़ सकता, यानी अमित शाह के खिलाफ नहीं जा सकता, यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं जा सकता। यह दहशत का माहौल है पूरे भारत में, तिरंगा जो है दहशत के माहौल में जी रहा था। निकले तो थे उतने लोग पूरे देश में सीएए के खिलाफ, क्या ले लिए और क्या उखड़ गया? बल्कि उल्टे घरों की नीलामी कराई गई और उनके फोटो को चौराहे पर लटका करके उनके घरों को कुड़की करेंगे और जेलों में डालने का काम किया गया। और जानते हैं, जमानत राशि भी जो 50,000 का था वो 2-2 लाख लगवाए हैं। अब बोलना, पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने में और अमित शाह के खिलाफ बोलने में क्या मजा आता है। मजा आ रहा ना पूरे देश को? क्या कर लिए? सीएए पीछे हो गया, एनसीआर खत्म हो गया, एनपीआर लाए हैं। कोई होगा माई का लाल तो उसको भी दूरी कर, उसको भी धुतकार देगा या उसको भी ठुकराएगा, तो उसका भी नतीजा यह देश के लोग भोगेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासन और सत्ता में है, संसद में है, पुलिस हमारी है, पूरा बल हमारा है, पूरा सुरक्षा, पूरा सेना हमारा है। है कोई माई का लाल इस समय? तो खाली जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, चाहे जो कानून चाहेंगे वो कानून लागू करेंगे और किसी का कोई बात नहीं सुना जाएगा। विपक्षियों को तो खाली हम लोग पुलिस से घेरवा घेरवा करके मरवाएंगे। प्रियंका गांधी जी पैदल पैदल दौड़ रही थी लखनऊ में, देख रहे थे ना क्या थी वो? प्रियंका गांधी जो है कांग्रेस पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी की महासचिव है, प्रभारी है उत्तर प्रदेश की। योगी जी का जो है टेलर आप नहीं देख रहे हैं? योगी जी बैठे हुए थे अपने मुख्यमंत्री आवास में, प्रियंका गांधी गरीबों के लिए दौड़ रही थी, राहुल गांधी दौड़ रहे हैं, दौड़ने दीजिए। कितना बोल लेंगे ये लोग? या इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे, जो अमित शाह चाहेंगे, वही होके रहेगा। कोई माई का लाल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का एक भी बात, एक भी कानून को नकार दे। अगर नकार देगा तो उसे हम लोग राष्ट्रद्रोही बता करके पाकिस्तान ढकेलने का काम करेंगे, बांग्लादेश में ढकेलेंगे, देश का नागरिकता नहीं देंगे। इसीलिए तो बुलाया गया है एनआरसी और एनपीआर और सीएए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है और इस मानसिकता का दहशत आम देशवासियों के बीच में, इसलिए ये डरवा करके, ये धमका करके अमित शाह के नेतृत्व में इस कानून को लागू किया जा रहा है। जो लोग डरेंगे वो लोग देश के बाहर जाएंगे, जो लोग लड़ेंगे वो देश के अंदर रहेंगे। तो लड़ाई अब जो है डरना बनाम लड़ना का हो चुका है। जो डरेगा वो नरेंद्र मोदी की जय जयकार करेगा, जो लड़ेगा वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होकर के या अन्य विपक्षी दलों के साथ खड़ा होकर के इस देश में इनके खिलाफ लड़ेगा, और लड़ने का जो नतीजा होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। धन्यवाद।